अभियान है और कितनी सफलता आप सब उसमें और कितने लाइसेंस हैं टोटल? पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जैसे कि जो असलहे लाइसेंस की असले लोगों के पास होते हैं सभी का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जिनके पास लाइसेंस की असले हैं उनके बाद उनके ऊपर मुकदमे पंजीकृत हो गए हैं उनके उनका आपराधिक इतिहास एकत्र किया जा रहा है और ऐसे व्यक्तियों का लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी कराई जा रही है। साथ ही साथ इसमें जो पूर्व में पिछले एक साल में लगभग 54 लाइसेंस की असले जो थे वो निरस्त कराए गए हैं और लगातार ये प्रक्रिया जारी है। तो क्या सबको जमा करने हैं या कुछ लोगों को छूट भी है इसमें? इसमें अभी जो आदेश हैं उसके हिसाब से अभी जो गांव में जो लोग रहते हैं जहां पंचायत चुनाव होने वहां पर जो लाइसेंसी असले हैं उसको लोगों से वार्ता करके वो जमा कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर उसमें कोई छूट का प्रावधान है तो वो उसमें अप्लाई करके वो पा सकता है। क्या अवैध असलों के लिए भी कोई अभियान चलने जा रहा है? हाँ, इसमें अवैध असलों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोग जो अवैध असले का निर्माण करते हैं या उनका उपयोग कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। का भी आइडिया लगता है वहाँ पे जो इलेक्शन को प्रभावित करने वाले डायरेक्ट फैक्टर्स होंगे वो होगी अगर अवैध शराब का वहाँ निर्माण हो रहा होगा। अवैध शराब का अगर निर्माण हो रहा है तो मैं अपेक्षा करूंगा कि एक्साइज विभाग की टीम वहाँ चली जाए और एक अगर वहाँ पर जैसे कुछ लोगों ने अभी जो दुकानें हैं आर्म्स की उनको चेक करना शुरू किया है देहात के दृष्टिकोण से, अगर वहाँ पर अपेक्षा करूंगा कि एक्साइज विभाग की टीम वहाँ चली जाए और एक ज्वाइंट ऑपरेशन वहां पे हम लोग चला रहे हैं क्योंकि अब नदी में पानी भी कम हो रहा है, ज्यादा पानी वाली समस्या भी खत्म हो रही है। तो इस दृष्टिकोण से जो एडीएमसी के साथ में अपना एक्सपीरियंस बताया है वो निश्चित तौर पे अगर आप नहीं जाएंगे तो उसकी टोपोग्राफी का आइडिया आपको नहीं होगा। अगर आपका ड्राइवर उस दिन बीमार पड़ गया है किसी या किसी महिला का करना है तो आपने एडीएम साहब से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा, अदरवाइज ऐसे लोगों को डिस्करेज करिए जिनसे कोई फायदा नहीं होगा। तो जो ये सारी चीजें आपके उसमें आनी चाहिए। दूसरा जब आप उस एरिया में जाते हैं तो आपको वहां पे कौन कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही होती हैं इसका ये आपस में अपने सीओ साहब के साथ इंस्पेक्टर साहब के साथ बैठ के डिसाइड कर लें क्योंकि इलेक्शन में बहुत ज्यादा संख्या में चालानी रिपोर्ट आती है कि आधार पे आपको